मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में मौजूदा यहाँ खजांची बाबा की दरगाह की पहाड़ी पर वन विभाग की जमीन पर कब्जा रोकने पहुंची वन विभाग की टीम को 300 से ज्यादा लोगों ने घेर लिया और उसे धमकाया कि लौट जाओ वरना जान से मार देंगे। टीम ने इन लोगों को रोका तो उसके साथ धक्का मुक्की की गई। गुंडागर्दी करने वालों के बीच में फंसी टीम ने पुलिस की मदद के लिए बुलाया, तब उन्हें खदेड़ने की कोशिश करने वाले में काबू आए। पुलिस ने 300 लोगों पर केस दर्ज किया है। दरअसल फॉरेस्ट की पहाड़ियों पर जमीन के घेरने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एक अफवाह उड़ी थी कि लोग पहाड़ी पर जमीन घेर रहे हैं। आनन फानन में सैकड़ों लोग वहां पर पहुंच गए, जमीन को घेरने के लिए लकड़ी बांस रस्से और गड़ाना शुरू कर दिए। आनन फानन में इसकी खबर वन विभाग को लगी तो वहां पर मौके पर पहुंच गई। वन विभाग की टीम ने रोकने की कोशिश की उन्हें तो लोग नहीं माने, पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस दौरान लोगों की पुलिस और वन विभाग के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके लोगों को तितर बितर किया। ये कल सुबह की बात है, धानना कंपू के क्षेत्र में जो बालपुरा की पहाड़ी पड़ती है उसके पीछे वन विभाग की जमीन है, वहाँ पर किसी के द्वारा अफवाह उड़ा दी गई कि वहाँ पर शासकीय भूमि पर जो जो कब्जा कर लेगा उसके लिए पट्टा होगा। इस बात को सुन अफवाह पे वहाँ पे बहुत से कब्जाधारी पहुँच गए और चूना और तमाम डोरी वगैरह लेके वन विभाग के जब अपना वहाँ पहुँचा उनको हटाने के लिए तो उनके साथ में भद्रता की। बाद में पुलिस वहाँ पहुँची, उन्होंने खदेड़ा और वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कुछ लोगों को चिन्हित करके FIR दर्ज कराई गई है, शासकीय कार्य में बाधा डाल दी गई। कितने लोगों पे कल 2-3 लोगों जो ज्ञात थे और बाकी 200-300 लोग उसमें लिखाए गए हैं और उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है।